द्वारा थाना प्रांगण में उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों के साथ किया मीटिंग का आयोजन। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना प्रांगण में आज उप जिलाधिकारी, क्षेत्र अधिकारी व कोतवाली प्रभारी के साथ नगर के सभी व्यापारियों के संग एकत्रित होकर ठाकुर द्वारा थाना प्रांगण में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी अजय कुमार गौतम ने सभी व्यापारियों को जानकारी देते हुए बताया कि अपने अपने दुकानों के आगे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे कि नगर में होने वाली वारदातों को आसानी के साथ देखा जा सके। क्षेत्र अधिकारी ठाकुर द्वारा ने जानकारी देते हुए बताया, यदि आपके साथ कोई ठगी करता है या आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है जिसकी जानकारी आपको बाद में मिलती है, तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसकी मदद से आपके परेशानी का निस्तारण हो सकता है। वहीं मीटिंग में उप जिलाधिकारी अजय कुमार गौतम ने अतिक्रमण को लेकर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम को रोकना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे कि होने वाली वारदातों को रोका जा सके। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे नगर के सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। जेड टीवी न्यूज 24 ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सफदर अली की रिपोर्ट। क्या बताया गया था अभी 1930, इसकी आप लोग एक फ्लेक्सी बनवा लीजिए, एक फ्लेक्सी बनवा लीजिए, और इसके साथ साथ एक साइबर क्राइम का पोर्टल भी है एनसीआरपी। हाँ, एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। साइबर क्राइम क्या है? रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिससे हम लोग कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। हाँ, 1930 मिला करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आप ncrp.gov.in पे जाकर के लॉग इन करके उस पर कंप्लेंट रजिस्टर भी कर सकते हैं। साइबर क्राइम पोर्टल .gov.in, तो जिस तरह से एनसीआरपी, तो इसका आप एक फ्लेक्सी टैप बना। आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।